बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू आडिया स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रजा लतीफ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस टू, लेक्चर नंबर 6 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा, नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन की टाइप नंबर 2 से कनेक्टेड रहेगा। इस लेक्चर में हम टाइप नंबर 2 की थ्योरी और इससे रेलिवेंट एप्लीकेशन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसकी थ्योरी है, व्हेन द राइट हैंड साइड ऑफ द गिवन नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन इज़ ऑफ द फॉर्म, जब हमारे पास राइट हैंड साइड नॉन होमोजेनियस फॉर्म के लिहाज से डिफरेंस इक्वेशन जो कनेक्टेड होती है उसे अगर हम इस फॉर्म में ट्रायल फंक्शन के अकॉर्डिंग राइट करते हैं, इट्स मीन कैपिटल एफ ऑफ के इक्वल हो एल्फा ए के रेज टू पावर के। इसमें जो एल्फा और जो ए होगा, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ऐसा हम ट्रायल फंक्शन राइट करेंगे, यानी कि कॉन्स्टेंट की पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास ट्रायल फंक्शन सपोज किया जाता है ट्रायल फंक्शन की फॉर्म में, जो आप अज्यूम कर रहे होते हैं। और इसमें हमेशा जो टाइप नंबर 2 होगी, कॉन्स्टेंट की पावर वेरिएबल होगी जो कि इंडिपेंडेंट फॉर्म में होती है। ठीक है, तो आपने ऐसा सपोज किया करना है, बिकॉज जो आपका क्वेश्चन हुआ करेगा उसकी राइट हैंड साइड में भी कांस्टेंट की पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ करेगा। ठीक है, और अगर कांस्टेंट के साथ ऐसा कोई अल्फा, मतलब एक कांस्टेंट के साथ अनदर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप उसे अल्फा का नाम असाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी एक कांस्टेंट की फॉर्म जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट की पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल फॉर्म हो तो आपने उसे टाइप नंबर 2 का नेम असाइन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, वेयर अल्फा एंड ए आर कॉन्स्टेंट्स, देन इन ऑर्डर टू फाइंड पार्टिकुलर सोल्यूशन, पार्टिकुलर सोल्यूशन मीन वाई स्टेरिक, वी शैल सब्स्टिट्यूट ट्रायल फंक्शन। तो आपने सब्स्टिट्यूट ट्रायल फंक्शन करना होता है, और वो ट्रायल फंक्शन कैसा होगा, यानी कि वाई के इज इक्वल टू कैपिटल ए और ए रेज टू पावर के, यानी कि जो आपका ट्रायल फंक्शन होगा, जो आपको गिवन फंक्शन क्वेश्चन में दिया गया होगा, वो ए रेज टू पावर के आपने अपने ट्रायल फंक्शन में भी लिया करना है। ठीक है, जो आपने सपोज करना है, और जो आपके पास क्वेश्चन में यहाँ पर अल्फा की जगह जो वैल्यू होगी, आपने उससे डिफरेंट कैपिटल ए कांस्टेंट राइट कर दिया करना है, यानी यहाँ पर जो भी हुआ करेगा, फर्ज करें मैं कहता हूँ यहाँ पर 2 है, तो आपने यहाँ पर कैपिटल ए ही राइट करना है। अगर यहाँ पर फर्ज करें 3 है, तो आपने तब भी यहाँ पर कैपिटल ए ही सपोज करना है। ठीक है ना, तो ये आपके पास इस अंदाज में ट्रायल फंक्शन होगा जो टाइप नंबर 2 में आप डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो वाई के इज इक्वल टू कैपिटल ए और ए रेज टू पावर के। उसके बाद इन द गिवन डिफरेंस इक्वेशन एंड इवेलुएट द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, जब आपने ये ट्रायल फंक्शन राइट कर लिया, तो आपने यहाँ से कैपिटल ए कॉन्स्टेंट को फाइंड करना होता है। ठीक है, और अगर आप देखें कि अगर ये हमारे पास ट्रायल फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, जिसे आप होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन फॉर्म कह रहे होते हैं, अगर उससे वो मैच कर जाए, तो फिर आपने इस तरह की ट्रायल फंक्शन को के की पावर एन से मल्टीप्लाई कर देना है, और तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक वो मैचिंग डिफरेंट ना आ जाए। ठीक है, तो डिफरेंट फॉर्म होगी तो आप उसको सोल्व करेंगे, देन आपके पास वो ट्रायल फंक्शन को एप्लीकेबल और सेटिस्फाइड कर पाएगा, अदरवाइज वो उसकी जो ट्रायल फंक्शन की रिस्ट्रिक्शंस होती है उसको फॉलो नहीं कर पाता। ठीक है, आपने ये बात को अंडरस्टैंड करना है। तो ये मैंने आपको टाइप नंबर 1 में भी बात बताई थी कि जो मैचिंग होती है वो आपने डिफरेंट लेनी है, सेम होगी तो आपने उसको डिफरेंट फॉर्म बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये आगे मैंने राइट किया हुआ है, बट इफ द ट्रायल फंक्शन आर एनी टर्म ऑफ द ट्रायल फंक्शन इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैपिटल वाई। ठीक है, यही बात कर रहा हूँ कि अगर, लेकिन अगर हमारे पास ट्रायल फंक्शन या उसकी कोई भी ऐसी टर्म जो ट्रायल फंक्शन में एग्जिस्ट है, प्रेजेंट है, मौजूद है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन वाई में पड़ी हुई है, तो आपने क्या करना है, देन द ट्रायल फंक्शन विल बी मल्टीप्लाइड बाय अ सूटेबल के रेज टू पावर, के रेज टू पावर एन। आपने k रेज टू पावर n से उसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, होपफुली अंडरस्टैंड कर लिया होगा, बिल्कुल ईजी है, जस्ट आपने ट्रायल फंक्शन को माइंड में रखना है, ट्रायल फंक्शन को कैसे आपने अप्लाई करवाना है, वो ही इसका मेन टास्क है, बाकी ये टाइप नंबर 1 से ही रेलिवेंट है।
तो चलते हैं आरटीओ स्टूडेंट, आज की एप्लीकेशन को परफॉर्म करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन y सबस्क्रिप्ट k प्लस 2 माइनस 4 y सबस्क्रिप्ट k प्लस 1 प्लस 4 y सबस्क्रिप्ट k इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर k। अब आप इसे देखें क्या ये टाइप नंबर 2 है या नहीं। अब आप जरा गौर करिएगा, ये जो आपके पास राइट हैंड साइड है इसमें आपके पास जो ये वाला 2 है इसकी पावर k आ रहा है। इट्स मीन कि जो आपने टाइप नंबर 2 को अभी थ्योरी में अंडरस्टैंड किया, यहाँ पर था स्मॉल a और इसकी पावर k था, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल a की जगह क्या आ रहा है, 2, और ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की पावर क्या आ रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल k, और इस 2 की पावर k के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसे वहाँ पर हमने थ्योरी में देखा था ये क्या था, अल्फा, और अल्फा यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपको मैंने ये सॉल्व करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, तो ये एग्जाम में GCUF 2017 और 2019 में रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट भी कंसीडर किया जाता है। और ये जो एप्लीकेशन है ये हमारे पास इस वक्त टाइप नंबर 2 को कंटेन कर रही है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं आज स्टूडेंट्स। द गिवन डिफरेंस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने y सबस्क्रिप्ट k प्लस 2 को शिफ्ट ऑपरेटर में अप्लाई करना है, जो हमने टाइप नंबर 1 में भी देखा था, e रेज टू पावर 2 वाई के माइनस ये 4 ये आपके पास एज इट इज, और वाई के प्लस 1 को आपने यानी y सबस्क्रिप्ट k प्लस 1 को आपने शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट किया, तो ये बनेगा e रेज टू पावर 1 वाई के, ठीक है, प्लस 4 वाई के ये आपके पास एज इट इज ही आ जाएगा। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर के, ये भी आपके पास एज इट इज़ है। उसके बाद आपने इस तरह की फॉर्म में से वाई के को कॉमन करना है, जब आप वाई के कॉमन लेंगे राइट साइड से तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर 2 माइनस 4 ई रेज टू पावर 1 प्लस 4 इंटू वाई के इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर के, ठीक है। इसको आपने कोई नंबर 1 नेम असाइन कर देना है। उसके बाद आपने मूव करना होता है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन की तरफ। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन या इसे आप होमोजेनियस फॉर्म भी कहते हैं, तो ये क्या होगा कि आपने ये जो पोर्शन है ना जिसको आप मैं सर्कल आउट कर रहा हूँ इसको आपने इक्वल टू जीरो कर देना है, तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बन जाएगा। फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन ई रेज टू पावर 2 माइनस 4 ई प्लस 4 इंटू वाई के इज इक्वल टू जीरो। जीरो मीन कि आपके पास राइट हैंड साइड होमोजेनियस फॉर्म होल्ड हो रही है। उसके बाद आपने करना होता है द ऑक्सिलरी इक्वेशन कैन बी रिटन एज, या इसे हम कह सकते हैं द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज। तो ये हो जाएगा जो आपके पास की शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं इनको आपने कोई नेम असाइन करना है, वो मैंने यहाँ पर ऐड किया एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने यहाँ पर फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है, तो फैक्टराइजेशन से ही आपके पास जो पेयर्स हैं कुछ इस अंदाज में बन जाते हैं एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस माइनस 2m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फिर आपने यहाँ से m कॉमन लिया तो m इंटू m माइनस 2, फिर यहाँ से आपने माइनस 2 कॉमन लिया तो ये बन जाएगा एम माइनस 2, ठीक है, ब्रैकेट वाला पोर्शन और ब्रैकेट का अनकॉमन दोनों सेम आ रहे हैं इज इक्वल टू 0, इनको आपने इक्वल टू 0 करके आइदर एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आर एम माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से वैल्यू आपने जब फाइंड कर ली तो आपके पास जो रूट्स आ जाते हैं एम इज इक्वल टू 2.2, ये रिपीटेड रूट्स आ गए हैं, और रिपीटेड रूट्स का आपका जो जनरल सॉल्यूशन होता है फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के लिए वो कुछ इस अंदाज में हो जाएगा। तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू के 2 रेज टू पावर के हो जाएगा, ठीक है ना। होपफुली अंडरस्टैंड कर लिया होगा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। उसके बाद जो मेन बात है वो है फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए लेट करना है वाई के इज इक्वल टू कैपिटल ए कॉन्स्टेंट और 2 की पावर के। आपने ये इतना ट्रायल फंक्शन को लेट करना है, ठीक है, जस्ट इतना जो ये आपको सर्कल आउट करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने ट्रायल फंक्शन को लेट कर लिया। उसके बाद आपने देखना है क्या ये मैचिंग तो नहीं कर रहा, देखते हैं ए 2 की पावर के, ये सी 1 और ये 2 की पावर के इससे मैच कर रहा है, यानी कि सी 1 यानी ए के साथ कॉन्स्टेंट से मैच कर रहा है और ये 2 की पावर के आपके पास ये इससे मैच कर रहा है, ठीक है, मैच हो गया। इसका मतलब है हमें इसके साथ k की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर आपने देखना k की पावर 1 किसी और से मैच नहीं करता, देखें ये सी 2 कॉन्स्टेंट है a के साथ मैच कर गया, और ये आपके पास 2 की पावर k है ये मैच कर गया, उसके बाद ये k की पावर 1 है, यहाँ पर k की पावर 1 था वो से मैच कर गया। इसका मतलब है अभी भी हमारी बात नहीं बन रही, आपने क्या करना है फिर इसको आपने k की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपने जब k की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर k की पावर 2 कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर k की पावर 0 है, यहाँ पर k की पावर 1 है और k की पावर 2 यहाँ पर स्किप है। इसका मतलब है ये हमारा ट्रायल फंक्शन बिल्कुल परफेक्ट है,
ठीक है, तो ये हमारा ट्रायल फंक्शन बन गया, वाई के इज इक्वल टू ए टू की पावर के और के स्केयर, इसको आपने पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन नंबर वन, तो ये बन जाएगा ई स्केयर माइनस फोर ई प्लस फोर, और ये हमारे पास वाई के की वैल्यू है, ये जो आपको सर्कल आउट करके बताया जा रहा है। तो कैपिटल ए टू की पावर के और के स्केयर इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई टू की पावर के, उसके बाद आपने ये जो ब्रैकेट के बाहर के है ना पोर्शन ए टू की पावर के और के स्केयर, इसको आपने ब्रैकेट की थ्री टर्म के साथ वन बाई वन मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप ब्रैकेट की थ्री टर्म के साथ यानी ई स्केयर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ई स्केयर ए टू की पावर के और के स्केयर, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस फोर ई के साथ, ये बन जाएगा माइनस फोर ई ए टू की पावर के और के स्केयर, फिर आपने प्लस फोर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा प्लस फोर ए टू की पावर के और के स्केयर इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई टू की पावर के, ये आपके पास बन गया, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये जो है ना ए कॉन्स्टेंट, इसको आपने बाहर ही रखना है, और जो ये शिफ्ट ऑपरेटर होगा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ऐड हो जाना है, तो शिफ्ट ऑपरेटर की पावर क्या है टू, जहाँ जहाँ के होगा वहाँ पर आपने प्लस टू ऐड कर देना है, तो ये के देखें यानी टू की पावर के यानी पावर में आ रहा है, तो लिख दिया टू की पावर के प्लस टू, ये यहाँ पे के आ रहा है तो इसके साथ ऐड हो जाना है के प्लस टू और इसकी पावर टू माइनस फोर, ये माइनस फोर एक कॉन्स्टेंट है, इसको आपने आउटसाइड यानी कि शिफ्ट ऑपरेटर से बाहर रखना है, क्योंकि शिफ्ट ऑपरेटर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे अप्लाई होता है, तो शिफ्ट ऑपरेटर की यहाँ पे पावर क्या है वन, तो ये अप्लाई होगा यहाँ पे, यानी टू की पावर के है तो के की साथ जब आपने प्लस वन ऐड करना है ये बन जाएगा टू की पावर के प्लस वन, ये देख सकते हैं के प्लस वन। उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई होना है, यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ पर के स्केयर है तो ये बन जाएगा के प्लस वन का स्केयर, ये देख सकते हैं के प्लस वन का हमने स्केयर राइट कर दिया। उसके बाद प्लस फोर ए ये एज इट इज़ और टू की पावर के और के स्केयर ये भी एज इट इज़ बिकॉज यहाँ पर कोई भी शिफ्ट ऑपरेटर नहीं है, तो शिफ्ट ऑपरेटर अगर होता फिर हम अप्लाई करते, तो ये इक्वल जो है यानी कि टू मल्टीप्लाई टू की पावर के ये हमारे पास एज इट इज़ ही राइट कर दिया। उसके बाद आपने ओनली ऑन इसके स्केयर्स को ओपन करना है, यहाँ पर देखें टू की पावर के प्लस टू को हम ऐसे कह सकते हैं टू की पावर टू मल्टीप्लाई टू की पावर के, तो टू की पावर टू को आप लिख सकते हैं फोर, और ये जो ए है ये आपके एज इट इज़ कॉन्स्टेंट यानी फोर ए और टू की पावर के, ठीक है। उसके बाद के प्लस टू का स्केयर ओपन करना है, ये बन जाएगा के स्केयर प्लस फोर प्लस फोर के माइनस एट है। उसके बाद टू की पावर के प्लस वन को ब्रेक करना है, ये आएगा टू की पावर वन मल्टीप्लाई टू की पावर के, ये बन जाएगा टू मल्टीप्लाई फोर एट ए और साथ में टू के, ठीक है। उसके बाद के प्लस वन का स्केयर ओपन करना है, ये आएगा के स्केयर प्लस वन प्लस टू के प्लस, ये आपके पास एज इट इज़ प्लस फोर ए टू की पावर के और के स्केयर और इक्वल है टू मल्टीप्लाई टू की पावर के, ये भी एज इट इज़ आ गया, ठीक है। ऑनवर्ड आपने फोर ए ये टू की पावर के को आपने कॉमन लेना है, जब आप यहाँ से देखें ये टू की पावर के है, यहाँ पर भी टू की पावर के है, यहाँ पर भी टू की पावर के है, जब आप थ्रू आउट लेफ्ट हैंड साइड से टू की पावर के को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से राइट हैंड साइड पे टू की पावर के पड़ा हुआ है, तो आपने टू की पावर के को लेफ्ट हैंड साइड से वैनिश कर देना है, ठीक है। राइट हैंड साइड में टू की पावर के है और लेफ्ट हैंड साइड में भी आपने थ्रू आउट जब टू की पावर के कॉमन लेना है तो वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फोर ए रह जाएगा, यहाँ पर माइनस एट ए रह जाना है और यहाँ पर प्लस फोर ए, ठीक है ना, ये देख सकते हैं प्लस फोर ए माइनस एट ए प्लस फोर ए, ठीक है। और बाकी जो टर्म्स हैं ब्रैकेट वाली ये आप दे सकते हैं के स्केयर, ये कंप्लीट एज इट इज ही राइट हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये जो फोर ए है ना ब्रैकेट की ये जो टोटल थ्री टर्म्स हैं इनके साथ आपने वन बाई वन मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास ये स्टेप ऐसे बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस एट ए को आपने ब्रैकेट की थ्री टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास ये ऐसे स्टेप यहाँ तक बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस फोर ए के स्केयर को जब आपने ये तो एज इट इज़ रहेगा ना, यहाँ पर कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इज इक्वल टू टू आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से कुछ कटिंग होनी है, कैंसिलेशन प्रोसेस होगा, ये जो मैंने कैंसिलेशन की हुई है आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से रिमेनिंग पोर्शन जो रह जाता है वो है एट ए इज इक्वल टू टू, फिर यहाँ से आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है कॉन्स्टेंट, तो ये आएगा वन बाय फोर। उसके बाद आपने इसको ट्राई फंक्शन में पुट करना है, सो वी हैव वाई के इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आ गई है वन बाई फोर और साथ में के स्केयर टू की पावर के आपके ट्रायल फंक्शन में था, इसको हमने अपना पार्टिकुलर सॉल्यूशन मान लिया है, तो वाई स्टेरिक इक्वल होगा वन बाई फोर के स्केयर टू की पावर के, हैंस ये हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन की वैल्यू बन गई है। अब हमने इसको जनरल सॉल्यूशन में राइट करना है, तो वाई के इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस वाई स्टेरिक, उसके बाद आपने इसको पुट किया वाई के इज इक्वल टू, ये हमारे पास जो होमोजीनियस कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन का आंसर है सी वन प्लस सी टू के और टू की पावर के आ गया, ठीक है।
प्लस वाई स्टेरिक की वैल्यू हमारे पास जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है वो आ गया है 1/4 के स्केयर टू की पावर के, हैंस व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर टाइप नंबर टू एज नॉन होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर टू, सोल्व द डिफरेंस इक्वेशन वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस टू माइनस सिक्स वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस वन प्लस सेवन वाई के इज इक्वल थ्री की पावर के। अब देखना यह क्या है, अब ये देखना है क्या ये टाइप नंबर टू है या नहीं। तो ये ऑब्वियसली हमारे पास टाइप नंबर टू है बिकॉज यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट की पावर आ रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कांस्टेंट की पावर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आए यानी के आए तो उसे आपने क्या कहना है टाइप नंबर टू। और ये है क्या लीनियर है, यस इट इज़ लीनियर बिकॉज जो हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन है इसमें वाई की पावर वन है, यहाँ पर भी वाई की पावर वन है, यहाँ पे वाई की पावर वन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। द गिवन डिफरेंस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो आपने वाई सब्सक्रिप्ट के प्लस टू को शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है, ई रेज टू पावर टू वाई के माइनस सिक्स एज इट इज, वाई के प्लस वन को आपने शिफ्ट ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर वन वाई के प्लस सेवन वाई के, ये एज इट इज आ गया। उसके बाद इक्वल है थ्री की पावर के, ये भी एज इट इज आ गया। उसके बाद यहाँ से आपने लेफ्ट राइट हैंड साइड से वाई के को जब आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा ई स्केयर माइनस सिक्स ई प्लस सेवन और ब्रैकेट क्लोज की वाई के इज इक्वल टू थ्री की पावर के, इसको आपने कोई नंबर वन नहीं असाइन कर देना है। फिर हमने मूव करना होता है फॉर पार्टी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, यानी जब आपने कोई नंबर वन नहीं असाइन कर दिया तो आपका यहाँ से सोल्व करने का यही एक वे होता है कि आपने कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करने के बाद आपने पार्टिकुलर की तरफ जाना है, फिर जब आपने पार्टिकुलर भी फाइंड कर लिया फिर इन दोनों को सम अप कर देना है तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ये इसकी एक स्ट्रेटजीज है। तो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आर होमोजेनियस फॉर्म कैन बी रिटन एज, तो ये ई स्केयर माइनस सिक्स ई प्लस सेवन ब्रैकेट क्लोज की वाई के इज इक्वल टू जीरो, यानी कि आपने राइट हैंड साइड को जीरो के इक्वल कर देना है। उसके बाद ऑक्सिलरी की तरफ जाना होता है कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, द ऑक्सिलरी इक्वेशन कैन बी रिटन एज एम स्क्वायर माइनस सिक्स एम प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि आपने शिफ्ट ऑपरेटर को कोई नेम में असाइन कर देना है। उसके बाद यहाँ से अगर फैक्टराइजेशन हो रही है तो आपने फैक्टराइजेशन अप्लाई करनी है, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। तो एम इज इक्वल टू, जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक की ऐसे टर्म्स बन जाएंगी और फाइनली आपको यहाँ से रूट्स जो मिलते हैं एम इज इक्वल टू थ्री प्लस माइनस टू स्केयर रूट, यानी ये आपके पास इस तरह दो रूट्स आ जाएंगे और ये रियल रूट हैं, यानी कि आपके पास एक फर्स्ट रूट आपके पास है थ्री प्लस टू स्केयर रूट और सेकंड रूट है थ्री माइनस टू स्केयर रूट। तो ये दोनों आपके पास जो रूट हैं रूट नंबर वन रूट नंबर टू दोनों डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो आपने इसका रूट के लिए जो जनरल सॉल्यूशन है कुछ इस अंदाज में राइट करना है। तो y कैपिटल y फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, तो ये आपके पास होगा कैपिटल y इज इक्वल टू सी वन थ्री प्लस टू स्केयर रूट की पावर k प्लस सी टू थ्री माइनस टू स्केयर रूट की पावर k, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जिसे आप होमोजेनियस फॉर्म कहते हैं। उसके बाद फॉर पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए लेट ट्रायल फंक्शन आपने लेना है वाई के इज इक्वल ए थ्री की पावर के। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें थ्री की पावर के आ रहा है तो आपने अपने ट्रायल फंक्शन में थ्री की पावर के राइट करना है। उसके बाद जो कॉन्स्टेंट एल्फा है उसकी जगह आपने कैपिटल ए राइट करना है। और जो आपके पास अब देखना ये है क्या ये कैपिटल ए थ्री की पावर के आपका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो है उसे मैच तो नहीं कर रहा, किसी के साथ सेम रेपिटेशन तो नहीं कर रहा। तो ये देखें ए थ्री की पावर के किसी से भी मैच नहीं कर रहा, यहाँ पर थ्री की पावर के तो है ही नहीं है, यहाँ पर थ्री की पावर के तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सी वन सी टू चलो तो मैच करता है बट थ्री की पावर के से तो मैचिंग नहीं हो रही, ठीक है ना। यानी कि कंबाइंड कॉम्बिनेशन फॉर्म में देखना होता है कि ए थ्री की पावर के से कोई लिंक तो नहीं बन रहा, कोई मैचिंग तो नहीं हो रही, फिलहाल मैचिंग तो नहीं हो रही, इट्स मीन हमारा ये ट्रायल फंक्शन बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। अब इसी को हम अपना पार्टिकुलर सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ट्रायल फंक्शन मानते हुए इसको हम पुट करेंगे, टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे और फिर वहाँ से आप ये कैपिटल ए कॉन्स्टेंट को फाइंड करना है। पुट इन इक्वेशन नंबर वन, जब इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे ये बन जाएगा ई स्केयर माइनस सिक्स ई प्लस सेवन और ये वाई के की वैल्यू है ए थ्री की पावर के इक्वल है थ्री की पावर के, ठीक है।
उसके बाद आपने यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने यहाँ से 3 की पावर k को डायरेक्टली कटिंग नहीं करनी, कैंसिल नहीं करना, ख्याल रखना है ये सभी स्टूडेंट ने, क्योंकि यहाँ से एक यही आपके माइंड में क्वेश्चन भी आएगा, क्या ये 3 की पावर हम डायरेक्टली ऐसे कैंसिल ना कर दें तो हमारा जल्दी काम हो जाएगा, फिर ऐसे वैल्यू हम एक कॉन्स्टेंट की फाइंड कर लेंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, बिकॉज जब आप 3 की पावर k को कैंसिल कर देंगे तो ये जो शिफ्ट ऑपरेटर जो होता है ना ई, ये कॉन्स्टेंट पर अप्लाई नहीं होगा, शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे अप्लाई होने के बाद आपने कटिंग करनी होती है, तो शिफ्ट ऑपरेटर से पहले आप कटिंग कभी भी नहीं कर सकते, ये बात माइंड में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर राइट हैंड साइड में शिफ्ट ऑपरेटर नहीं है, बट लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर अभी पड़े हुए हैं और ये अभी इस पर अप्लाई होना है, और अप्लाई होने से पहले आप इसको कटिंग नहीं कर सकते, ये इसकी लॉजिक है। ठीक है, अभी मैं इस पर शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई करने लगा हूँ, ए 3 की पावर k को मैं 1/1 ब्रैकेट की 3 टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, तो ये बन जाएगा, जब आप ई स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, तो ये बन जाएगा ई स्केयर ए रेज टू पावर ए 3 की पावर k -6e के साथ जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा -6e ए 3 की पावर k, उसके बाद +7 को जब आपने मल्टीप्लाई करना है ये आएगा +7 रेज टू ए 3 की पावर k, इक्वल होगा 3 की पावर k। ठीक है ना, उसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे, देखें ये जो a है ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे तो शिफ्ट ऑपरेटर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता, तो ये हमने एज इट इज़ राइट कर दिया, तो शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल k पे, तो यहाँ पर e की पावर 2 है, यानी शिफ्ट ऑपरेटर जो है k में 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 की पावर k+2, तो ये देखें मैंने वही राइट किया हुआ है 3 की पावर k+2, -6 ए कॉन्स्टेंट है, इसको हमने ऐसे ही राइट कर दिया, और यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर की पावर 1 है, तो यहाँ पर 3 की पावर में ये ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर k+1, तो ये देखें वही राइट किया हुआ 3 की पावर k+1, +7 a 3 की पावर k, यहाँ पर शिफ्ट ऑपरेटर बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर ये एज इट इज़ हमने राइट कर दिया है। उसके बाद देखें यहाँ पर 3 की पावर k+2 को जो आपने ओपन करना है, ब्रेक करना है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर k मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 आपका 9 होगा। ठीक है, तो ये बन गया 9a 3 की पावर k -6a, यहाँ पे भी 3 की पावर k+1 को ब्रेक करना है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर k मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा -18a 3 की पावर k +7a 3 की पावर k, ये एज इट इज आ गया इज इक्वल टू 3 की पावर k। उसके बाद आपने लेफ्ट हैंड साइड से देखें ये 3 की पावर k कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो थ्रू आउट जब आप लेफ्ट हैंड साइड से 3 की पावर k को जब आप कॉमन लेंगे, तो जब आपने यहाँ से 3 की पावर k को कॉमन लिया, तो यहाँ से राइट हैंड साइड में 3 की पावर k पड़ा हुआ है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग पोर्शन बच जाएगा यहाँ से 9a -18a +7a इज इक्वल टू 1, फिर आप इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये आएगा -2a इज इक्वल टू 1, फिर यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल जाती है -1/2, तो सो आपके पास सो yk इज इक्वल टू क्या बनेगा -1/2 3 की पावर k, ये जो -1/2 है ये कैपिटल A की वैल्यू है, यानी कांस्टेंट की वैल्यू, तो इसी को हम अपना पार्टिकल सॉल्यूशन मान लेंगे, तो y स्टेरिक इक्वल हो जाएगा -1/2 और 3 की पावर k। ठीक है, उसके बाद आपने इसको कंबाइन करना होता है, यानी कि दिस इम्प्लाइज डैट yk इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पार्टिकल सॉल्यूशन, यानी कैपिटल Y प्लस कैपिटल Y स्टेरिक, सो कैपिटल वाई के इज इक्वल टू सी 1 3+2 square root k +c 2 3-2 square root raised to power k, ये आपके पास कैपिटल वाई की वैल्यू है, -1/2 3 की पावर k की आपके पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन की वैल्यू है। ठीक है, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर फॉर नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन एज टाइप नंबर 2। होपफुली यार स्टूडेंट आज लेक्चर को सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा, अगर फिर भी किसी टाइम में किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी, तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।